जैसा आप बता रहे हैं पंजाब में तो अलग अलग लड़ रहे हैं पिनाज, और पंजाब की बात कर लेते हैं कि कांग्रेस और आप अलग अलग लड़ रहे हैं तो किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है। 13 सीटें पंजाब की, और रही उसका ओपिनियन पोल आपके सामने रख देते हैं। उसका ओपिनियन पोल जो बता रहा है वो ये कि 3 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी, जबकि आम आदमी पार्टी 8 सीटें यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है, और अगर आप अकाली दल की बात करेंगे तो 1 सीट अकाली दल के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि कांग्रेस को पंजाब में कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा नुकसान ही होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और भावेश ये कौन सी सीट है जो बीजेपी की बढ़ रही है यहाँ पर, और अकाली दल का क्या होगा? मतलब वो तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और लगता है कि वो अस्तित्व सिर्फ परिवार तक ही सिमट जाएगा। देखिए, मेरा मानना है कि अकाली भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कांग्रेस भी, कांग्रेस के लिए भी पंजाब में बहुत मुश्किल। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम आप देखेंगे, खासकर जब से अमरिंदर सिंह को वहाँ से हटाया गया और अमरिंदर सिंह पार्टी छोड़ के गए हैं, कांग्रेस के एक से एक बड़े नेता पार्टी को छोड़ के जा चुके। जिस नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर पूरा गांधी फैमिली ने फोकस लगाया हुआ था, आज के दौर में नवजोत सिंह सिद्धू आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं मेरे ख्याल से, और उनके जो बड़े बड़े जो जिनके पीछे लग रहा था कि एक बड़े नेता कांग्रेस के लिए हो सकते हैं जैसे रवनीत सिंह बिट्टू, वो खुद बीजेपी में आ चुके, तो कांग्रेस के लिए बहुत ही खराब स्थिति है। फिर भी मुझे याद है कि एक दो सर्वे एजेंसी ने कहा कि कांग्रेस वहाँ पे बड़ी पार्टी बनी। जालंधर जैसी सीट है जहाँ पे चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव, बहुत पहले से ये लग रहा था कि चन्नी चन्नी वहाँ पे चुनाव लेंगे, वहाँ पे दलितों का एक बहुत अच्छा खासा वोट बैंक है, रिजल्ट सीट भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो वहाँ पे उनके लिए एक अच्छा केक वॉक हो सकता है। बीजेपी ने जिनको कैंडिडेट दिया, जिनको टिकट दिया, वो कांग्रेस से ही आम आदमी पार्टी में गए थे, फिर आम आदमी पार्टी से बीजेपी गए थे, और खुद वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में है नहीं खास के डेट में, तो बीजेपी बहुत ज़्यादा चैलेंज उस सीट पर दे नहीं पाएगी। लेकिन जो बीजेपी के लिए जो उनका जो ट्रेडिशनल जो 2 सीट रहे उस पर वो अच्छी खासी बढ़त में है। उसका रीजन ये है कि जो गुरदासपुर वाली सीट है वहाँ पे हिंदू का एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन बीजेपी के पक्ष में होता है, और एक अमृतसर वाली सीट है, अमृतसर पे आपको पता है कि बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया है बिल्कुल वो बहुत ही अच्छे फैमिली से आते हैं, सिख जो कम्युनिटी के लिए उनके फैमिली का बहुत ही अच्छा खासा योगदान माना जाता है, तो बीजेपी के लिए वो सीट। और एक जो रवनीत सिंह सिद्धू वाली सीट, रवनीत सिंह पूरा नाम बंटी, बिल्कुल, तो उस सीट पे बीजेपी के लिए एक अच्छा खासा मोमेंट बना है। उसके 2 वजह, एक वजह ये है कि एक वो जिस फैमिली से आते हैं, सिख कम्युनिटी से आते हैं, उनका बेअंत सिंह फैमिली से आते हैं, वो बहुत अच्छा खासा प्रभाव लेके और कांग्रेस के भी एक बहुत कद्दावर नेता रहे, 2 बार से वहाँ से सांसद है, एक पिछले उससे पहले भी सांसद रह चुके, 3 बार से सांसद हैं, तो बीजेपी उस वोट बैंक में सेंध लगा रही है। दूसरा है कि जो लुधियाना का जो सीट है वहाँ पे एक अच्छा खासा कम्युनिटी है जो व्यापारियों का है, जिसके वजह से बीजेपी को वहाँ समर्थन मिला, हिंदुओं का भी अच्छा खासा वोट है, तो बीजेपी उस सीट पे आ गए। हालांकि बीजेपी का जो एक ट्रेडिशनल सीट है उस पर बीजेपी जरूर कुछ पीछे सीटों की बात कर रहे हैं भावेश, तो आइए सीट एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, तो आसानी होगी बातचीत करने में कि पंजाब में किस सीट पर कौन सी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। तो एक एक करके सीटें आपके सामने रख रहे हैं। फतेहगढ़ साहिब, यहां आम आदमी पार्टी चुनाव जीत सकती है, फरीदकोट आम आदमी पार्टी के खाते में जा रहा है, संगरूर पटियाला यहां पर भी आम आदमी पार्टी जीतेगी, जालंधर की एक सीट है जहां से चरणजीत सिंह चन्नी को चुनावी मैदान में उतारा है कांग्रेस ने, यह सीट कांग्रेस जीत सकती है, वहीं खाडूर साहिब आम आदमी पार्टी के खाते में जा रहा है, लुधियाना बीजेपी जीत सकती है, आनंदपुर साहिब आम आदमी पार्टी, फिरोजपुर आप, भटिंडा शिरोमणि अकाली दल और गुरदासपुर बीजेपी, अमृतसर बीजेपी, होशियारपुर भी आम आदमी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस 1 सीट यहां पर जीतेगी, जीत सकती है, वो भी जालंधर की सीट है, जबकि आप आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो 8 सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है, 1 सीट अकाली दल के खाते में भी जा रही है भटिंडा की सीट, जबकि 8 सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि यहां फायदा आम आदमी पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल जी, देखिए, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अगर बीजेपी 3 सीटें यहाँ पे जीतती है तो वो अपना एक सबसे बेहतरीन प्रदर्शन पंजाब में जो है दोहराएगी, इससे ज़्यादा कभी उन्होंने सीटें जीती नहीं है। और जहाँ तक जालंधर की सीट है, ये मैं मान सकता हूँ कि जालंधर की सीट में शायद जो रवनीत सिंह बिट्टू है उसके आने से कुछ फ़ायदा हो, लेकिन पंजाब में जो जो किसानों के का पूरा माहौल बना हुआ है, जो वहाँ पर बीजेपी के खिलाफ माहौल है, और आपको ये जानना चाहिए कि बीजेपी और अकाली दल का अलायंस ही इस कारण नहीं हो पाया कि अकाली दल को लग रहा था कि किसानों का मुद्दा जो है उसको नुकसान पहुँचा देगा। तो ऐसे में ये एक्सपेक्ट करना कि जो बीजेपी है वो बहुत अच्छा किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर जाएगी, ऐसा कहना बहुत मुश्किल। संगीत जी, हाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के बीच में समझौता न हो पाने के पीछे
एक बहुत बड़ा कारण है सीटों की संख्या को लेकर के विवाद था दोनों पार्टियों में। भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटें लड़ना चाहती थी, उसका अपना एक तर्क था, कांग्रेस से बड़े बड़े नेता आज आ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी की वो हैसियत नहीं रह गई है, और इसलिए उनको इच्छा उनका ये डिमांड था कि जितनी सीटें हमको पहले देती थी हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाता था, लेकिन यदि हमको सीटें ही आप कम देंगे तो हम जीतेंगे कितनी सीटें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि देखिए आपका इमेज जो है वो पंजाब के अंदर बहुत अच्छा आज के दिन में नहीं रह गया है, इसलिए जिस प्रकार का डोमिनेंट पोजीशन आप चाहते थे पंजाब की राजनीति में आप वो रह नहीं गया है, इसलिए सीटों का बंटवारा पहले से बेहतर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 7 से 9 सीटों पर लड़ना चाहती थी, वो यदि निगोशिएशन होता तो मुझे लगता था कि एक अच्छी दिशा में दोनों सीटों का समझौता तालमेल हो गया होता। आज के दिन में सबसे दुर्दशा जो मैं देख रहा हूँ वो कांग्रेस पार्टी के यहाँ देख रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी के साथ जो समझौता है वो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए भारी पड़ रहा है। पिछली दफ़ा देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया था कुछ राज्यों में, उसमें से एक केरला था, दूसरा तमिलनाडु था और तीसरा ये था। इन तीनों राज्यों को मिलाकर के इसके पास 31 सीटें थी। आज ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या उनको दिल्ली में भी गठबंधन जारी रखना या चाहिए नहीं, कम से कम पंजाब के पंजाब नहीं मैं नहीं है उसका असर फिर भी दिख रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि सब अलग अलग लड़ रहे हैं, एक छोटा पंजाब के यूनिट जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को आज गरिया रहा होगा कि तुम्हारे पापों का भुगतान जो है वो हम यहाँ पंजाब में कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ये सिर्फ कारण नहीं था कि कोई सीटों के बंटवारे को लेकर अकाली दल और बीजेपी में था, अकाली दल की कुछ और मांगे थी जो शायद बीजेपी नहीं मान सकती थी, वो कुछ एलिमेंट्स को किसी एक जेल से पंजाब के पास पहुंचाना चाहते थे, तो खैर वो बड़े मुद्दे थे जिनको लेकर। एक छोटा सा रिएक्शन शांतनु जी आपसे मिलूंगी, भावेश एक छोटी सी टिप्पणी मुझे बता दीजिए कि यहाँ पर आपको दिल्ली जैसी स्थिति लगती है कि जो वोट परसेंटेज का जो मार्जिन है वो 10 से 15%, या फिर कहीं कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी स्विंग सीट्स भी हो सकती हैं? नहीं देखिए वहाँ पे चार पार्टी चारों अलग अलग चुनाव लड़ रही है, क्योंकि पहली बार है सर, बिल्कुल, और बीएसपी का भी 3 सीट पे असर है, बिल्कुल, तो उस तरह की सिचुएशन तो नहीं हो सकती कि कोई पार्टी 15% का लीड ले ले, यदि 15% का लीड लेगी तब तो वो पार्टी पूरी तरह क्लीन स्वीप कर जाए, तो वो स्थिति तो नहीं होगी। लेकिन हाँ आपने आपको याद होगा 2014 में जब पूरा लोकसभा का चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीती क्योंकि केजरीवाल यहाँ से आते, लेकिन पंजाब से उन्होंने 4 सीट जीत लिया था। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी का और सिख पर्टिकुलरली जो सिख कम्युनिटी है उसमें एक अच्छा खासा आधा 2013-14 से ही बनने लगा था। इसका असर आप देखेंगे कि जब 2022 में असेंबली चुनाव हुआ तो एक बहुत बड़ी क्लीन स्वीप करके आम आदमी पार्टी, वो अभी बरकरार है। उसका उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ पे जिस तरह सरकार अकाली और कांग्रेस मिलके पहले देती आई थी तो लोग एक उब चुके थे और एक ऑल्टरनेटिव की तरफ जा रहे थे, जिसके वजह से आम आदमी पार्टी एक बड़ी फोर्स बन के पंजाब में उभरी है। और सामने में जो भी पार्टियां वो अलग अलग चुनाव ले, कांग्रेस अलग चुनाव ले, अकाली अलग, बीजेपी अलग, तो उसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। और खासकर पर्टिकुलरली देखेंगे तो भगवंत सिंह मान, वैसे मैं किसी नेता का ऐसे तारीफ करता नहीं क्योंकि लोग मुझे उससे जोड़ते हैं, लेकिन भगवंत मान अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे, जिसका भी फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। भगवंत मान तो जेल में भी गए शांतनु जी, मिलकर आए और बहुत सारे आरोप लगा दिए कि बात नहीं करने दी, आमने सामने नहीं बैठाया, जो शीशा था वो भी धुंधला था, फोन पर हमारी बात हुई, अरविंद केजरीवाल को आतंकवादियों की तरह जेल में रखा जा रहा है, तो वो तो एक नैरेटिव लेकर जा रहे हैं अपने। वो तो देखिए आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड दिल्ली में भी खेलेगी, पंजाब में भी खेलेगी, शायद पंजाब में उसका फायदा भी हो जाए। अगर भावेश के ये नंबर ठीक हैं और भाजपा को 3 सीट आ रही हैं तो मैं उसमें भाजपा की 2-1 की बढ़त कितने देखूंगा, क्योंकि भाजपा मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहली बार चुनाव अकेले लड़ रही है, तो एक तरह से 3 उसकी अपनी सीटें हैं पहली बार, और भाजपा पंजाब में बढ़ने के लिए उनके पास तरनजीत सिंह संधू जैसा कैंडिडेट है जो कुछ समय पहले तक अमेरिका में भारत के राजदूत थे, तो अब एक तरह से तीसरे IFS ऑफिसर भाजपा के कैबिनेट में होंगे, और मेरे ख्याल से अगर अमृतसर की सीट निकाल लेते हैं तो लगता है वो मोदी कैबिनेट में होंगे पक्का।